बच्चों, कक्षा 10 के छात्र छात्राएं, ध्यान दीजिए। आज आपका नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आप सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मेरे ख्याल से चौथा अध्याय होगा, ये है बिहारी लाल। सबसे पहले तो बिहारी लाल के बारे में हम थोड़ा जान लें। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ये सब बातें। अब यहाँ पे है, इनका जन्म 1603 ईस्वी में बसुआ ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई, है ना। इसके बाद देखा जाए कि अभी तक जो आप पढ़े हैं, रसखान हुए, सूरदास हुए, या जितने भी तुलसीदास हुए, ये सब बेटा भक्ति काल के कवि थे, है ना। हमने आपको बताया था कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है, जैसा कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ये आधुनिक काल में जैसे छायावादी, प्रगतिवादी, ये सब हैं। तो आते हैं हम आपको रीति काल के कवि, प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल के बारे में बताते हैं। जैसा कि इनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुण आई आई सुखद मथुरा बस ससुराल। जैसा कि बच्चों, इनका अधिकांश समय तरुण आई आई सुखद मतलब जवानी, अधिकांश समय युवा अवस्था, बचपन बीतने के बाद युवा अवस्था आते ही ये ससुराल चले गए। इनका शादी विवाह हुआ और अधिकांश समय वहीं ससुराल में ही बीत गया, मथुरा, है ना, मथुरा बस ससुराल। ये मथुरा में रहने लगे और कुछ समय बाद ये राजा ओरछा नरेश, है ना, इनके पिता का नाम केशव राय था और ये इनका विवाह मथुरा में हुआ, ये सारी बातें। और फिर ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि बन गए और वहीं से कृष्ण और राधा को आश्रय मानकर वो कविता करने लगे। इसके पश्चात राधा, सॉरी, राजा के बारे में भी वहां राज दरबार में गए। एक बार ऐसा हुआ बच्चों, ये कुछ दिन के लिए ससुराल चले गए, फिर जब वापस आए राजा के दरबार में तो देखे राजा का राज एकदम तहस नहस, कहीं राजा का आता पता नहीं। तो इन्होंने लोगों से पूछा कि क्या बात है, राजा कहाँ है। तो लोगों ने कहा, ओहो, नहीं जानते हैं आप, वो दूसरा विवाह करके नई नवेली दुल्हन लेके आए हैं, उसी के प्रेम फांस में पड़े हैं, राज दरबार का तो उनको कुछ ख्याल ही नहीं है। कहे ये तो बड़ा खराब हुआ, अब क्या हुआ। ऐसा करते हैं कि राजा को सूचित करना चाहिए। ये गए कागज पे एक दोहा लिखे, जैसा कि बच्चों इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, और राजा खुश होकर कि इनको प्रति दोहे पर सोने का सिक्का देता था। क्या जमाना था, बड़े अमीर रहे होंगे ना बेटा, एक एक सोने का सिक्का खूब जुटा के रखे होंगे तब तो। फिर क्या हुआ, ये एक पत्र लिखे राजा के पास, और राजा के पास पत्र लिख करके भिजवा दिए। राजा रनिवास में मशगूल थे भाई, नई नवेली नव यौवना आई थी। अब जब देखे उस पत्र में लिखा था बेटा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यो बध्यो, आगे कौन हवाल। इसका मतलब हमने आपको बताया था, अन्योक्ति अलंकार है। जैसे अगर पुष्प के पक्ष में लिया जाए तो इन्होंने कहा कि उस पुष्प का क्या भरोसा, भवरे के पक्ष में भवरे को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि अरे भ्रमर, जरा तू ख्याल कर, जिस पुष्प के चक्कर में तू पड़ा है अभी तो वो बेचारी कली है, क्या उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो
ये तो भौरे के पक्ष में ठीक बेटा, वैसे राजा के पक्ष में इन्होंने लिखा ये अन्योक्ति, परख ज्यादा कविताएं लिखते थे। राजा को इन्होंने संबोधित किया कि राजन, आप जिस नई नवेली दुल्हन के चक्कर में पड़े हैं, अभी तो वो पूर्ण रूप से युवा भी नहीं हुई है, और जिस दिन युवा हो जाएगी उस दिन आपका क्या हाल होगा? आपको राजपाट का जरा भी ख्याल नहीं है, अभी वो कली के चक्कर में आप पड़े हैं, जिस दिन वो पुष्प बन जाएगी उस दिन भला आपका क्या हाल होगा? तो राजा को अचानक झटका सा लगा, अरे हाँ सही बात है। वो वापस राज दरबार में आ गए, और फिर ऐसे ही बच्चों रीति काल में इन्होंने कृष्ण और राधा को आलंबन मान करके कविता लिखा। और सबसे पहला दोहा इनका है, किताब खोल के ध्यान से देखिए, जैसे है, और जीवन परिचय में जो सारी चीजें नहीं आपको समझ में आई होंगी कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लीजिएगा, और कापी में नोटबुक जो आपकी है उसमें आप जीवन परिचय लिख लीजिएगा। फिर चलते हैं दोहे पर। जैसे देखिए, मेरी भव बाधा है रो, राधा नागर सोई, जातन की जाई पड़े श्याम हरित दुति होई बिहारी, श्याम हरित दुति होई। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ऐसे ही सस्वर वाचन हम आपसे पूरा सुनेंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा। देखिए, मेरी माने मेरी भाव बाधा, भाव माने संसार, बाधा माने कष्ट या दुख, जो सांसारिक कष्ट है उसे, और नागरी जैसा कि अब तक हम शब्दार्थ लिखते आए हैं, और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आज नहीं लिखे तो ये मत समझिएगा कि नहीं लिखना है, आपको लिखना है, आप अपने नोटबुक में लिखिएगा, हम बता दे रहे हैं, वैसे आप नोट करते चलिए। नागरी माने चतुर, सोई माने वही, ब्रजभाषा का प्रयोग है ना, सोई वही जैसी तैसी वैसी। अभी आप रसखान का पढ़ के आए हैं कि जैसे कि वो कृष्ण भगवान की क्या थी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पे ठीक वैसी ही चोटी थी, तो वही भाषा यहाँ भी इनकी भी है। वही सोई माने वही राधा जी है ना, झाई माने परछाई, प्रतिबिंब, या फिर ध्यान भी कह सकते हैं। श्याम माने काला, और श्याम माने श्री कृष्ण है ना, दो अर्थ हो रहा है इसलिए श्लेष अलंकार होगा। हरित द्युति माने हरी क्रांति, या कहिए कि हरे भरे कांति वाले, चमकीले एक तरह से। अच्छा बच्चों, इन सब बातों को देख करके लग रहा है कि बिहारी जी अच्छे कलाकार रहे होंगे ना, तभी तो उनको रंग का पूरा ज्ञान है कि अभी देखिए क्या क्या बन जाता है। ये ना, ये राधा जी हैं और ये कृष्ण जी हैं, एक तो ये पीले रंग की है ना, मतलब गोरे रंग की, और ये काले रंग मतलब श्याम रंग के। अब बेटा ये क्या हो गया, पीला पीला धन काला, इसको हम अगर कलर करेंगे बराबर क्या बनेगा, कैसा कलर बनेगा, हरा बनेगा, मिला के देख लीजिएगा। इससे लगता है कि बिहारी जी काफी अच्छे कलाकार थे। तो यहाँ पे जैसे काला पीला कलर मिलकर के हरा बन गया, वैसे राधा जी जब कृष्ण जी के सामने होती हैं तो राधा जी की परछाई पड़ते ही क्या हो जाते हैं, कृष्ण भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, बड़े मग्न हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बिहारी लाल अपने आप को पुत्र माने हैं और राधा जी को माँ समान समझे हैं, इसलिए स्तुति किए हैं राधा जी की,
और कृष्ण जी को पिताजी माने हैं अपना। और सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम लोग को भी किसी चीज की कमी होती है तो क्या पापा से मांगते हो, मम्मी पास जाते हो, मम्मी फीस चाहिए स्कूल की। तो वैसे बिहारी जी क्या राधा जी की परछाई का वर्णन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं राधा जी। अब देखिए इसमें राधा जी की स्तुति की गई है प्रसंग में, है ना। जैसे यहाँ पे बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधिके, या राधा मैया कह लीजिए, है ना, स्तुति है, प्रार्थना किए हैं कि आप मेरे सांसारिक, हम बता चुके हैं शब्दार्थ में, भाव माने सांसारिक, भाव माने संसार, यहाँ पे सांसारिक कष्टों को दूर करें। क्यों दूर करें? क्योंकि बेटा आपकी परछाई जब भगवान कृष्ण पर पड़ती है तो ऐसे बन जाते हैं, हरे हरे हो जाते हैं ना। तो अब ये हरे हो गए, जब आपकी परछाई मात्र पड़ने से कृष्ण जी हरे हो जाते हैं, तो कृपा करके हमारे ऊपर भी आप दया दृष्टि कीजिए। कहने का भाव है कि पिताजी से सिफारिश कीजिए कि बच्चे पर दया दृष्टि बनाए, है ना। यहाँ पे कृष्ण को ईश्वर माने हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो राधा जी से वो विनती करते हुए कह रहे हैं कि हे चतुर राधिके, आपकी परछाई मात्र पड़ने से अगर भगवान कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता, है ना। जातन की, जा माने जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही, श्याम माने श्री कृष्ण, हरित माने हरे रंग के, या कहिए प्रकाशित हो जाते हैं, एक तरह से कहिए कि खुश हो जाते हैं। तो क्या है, हे चतुर राधिके, आप मेरे भी सांसारिक कष्टों को दूर करें, है ना। बात समझ में आई, ब्रज भाषा है और दोहा छंद है, अनुप्रास श्लेष अलंकार है। बाकी जो आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछते रहिएगा। एक दोहा और चलते हैं, अब हम गाएंगे नहीं, अब तक बहुत हम गाते आए हैं, अब आप गा के सीखिए। दूसरा है देखिए, मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, की शेखर सतचंद, है ना। शब्दार्थ नोट कीजिए, शशि शेखर माने शिव जी, है ना, अकस माने ईर्ष्या जलन, नहीं कहते बड़ी कसक है इनको, तो यही क्या है, अकस मतलब एक तरह से ईर्ष्या है, जलन हो रही है। और एक शेखर का मतलब है बेटा कामदेव, इसलिए शेखर का दो शब्द आया। इसमें भी अगर कहा जाए तो बिहारी के समस्त दोहे में आपको श्लेष अलंकार मिलेंगे। इन्होंने तो श्लेष ही नहीं बल्कि इनके प्रत्येक दोहे में देखा जाए, अगर खोजा जाए तो एक दो अलंकार की बातें ही छोड़िए, 10-10 अलंकार इन्होंने पिरो रखा है। तो अब यहाँ पे शेखर माने कामदेव, है ना, सत माने 100, तो नहीं जिसे दादा बाबा नहीं कहते हैं 100, 200, तो यहाँ 100, यहाँ सत माने 100, है ना। अब यहाँ पे सारे शब्दार्थ हो गए, क्या है इसमें मुकुटधारी, कैसे मुकुट, मोर का मुकुट, मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रसंग अब देखिए इसकी व्याख्या है, मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत सतचंद नंद नंद, है ना, नंद नंद माने नंद बाबा के, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं। अब चंद्रिकाएं माने क्या कहेंगे बच्चों, किरण ना, हाँ याद है, ठीक है, तैयारी जम के करी, बहुत पिटाई करेंगे। तो क्या है, हाँ, मोर पंख के मुकुट की किरणें ऐसी शोभायमान हो रही हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं,
जैसे मानो भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हुए, जलन का भाव रखते हुए किसने, कामदेव ने अपने सिर पर एक नहीं बेटा, सैकड़ों हजारों करोड़ों क्या धारण कर लिए बताइए। यहाँ पे सैकड़ों शशि मनु शशि शेखर की अकस है ना, शिव जी के प्रति ईर्ष्या के कारण कामदेव अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। बात समझ में आई? आज बस इतना ही दोहा बेटा, जहां गलती होगी, नहीं समझ में आया होगा, आप पूछ लीजिएगा। और ठीक वैसे काव्य सौंदर्य लिखिएगा, सारी चीजें वही है, श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा है। यहाँ पे मानो जनु मनु शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा है ना, मनु शशि शेखर की अकस, मनु शब्द है इसलिए उत्प्रेक्षा है, और दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, सारी चीजें वैसे हैं। और इसके आगे का दोहा अगले दिन बेटा। धन्यवाद।